जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सपने तो जीवन में हर कोई देखता है, और कहते हैं कि जब से मनुष्य के अंदर चेतना जागी है तब से ही मनुष्य सपने देखता आ रहा है। लोग सपने देखते हैं और भूल जाते हैं। अक्सर हमें वही सपने याद रहते हैं जो या तो बहुत ही बुरे होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मनोरम होते हैं। सपना चाहे कैसा भी हो, लेकिन हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, कोई ना कोई चीज उसमें जरूर छुपी होती है उस सपने के अंदर, फिर चाहे वो संदेश बुरा हो या अच्छा। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई सपना अगर देखने में अच्छा हो तो उसके अंदर छिपा हुआ संदेश भी अच्छा होगा। कभी कभी अच्छे दिखने वाले सपने भी जातकों के भविष्य या वर्तमान के लिए नकारात्मक संदेश दे रहे होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हमने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है जो भविष्य या वर्तमान में घटने वाली किसी बेहद ही नकारात्मक घटना के घटित होने का संदेश दे रहा है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। सपने के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हम कुछ उपायों के अलावा दिन के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर करें तो हमारे जो सपने का बुरा फल है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे यदि आपने सोमवार की रात को कोई बुरा सपना देखा है और उसकी अगली सुबह मंगलवार को आप सोमवार से जुड़ी वस्तुओं का दान कर दें तो अशुभ फल कम हो जाता है। सोमवार के दिन का जो देवता है वो चंद्रमा है, और भगवान शिव को समर्पित दिन होता है सोमवार। ऐसे में यदि आपने सोमवार की रात में कोई सपना देखा है तो अगले दिन सफेद वस्तुओं का दान कर दें, जैसे कि चावल, नारियल, चीनी। सफेद रंग न सिर्फ चंद्रमा देवता को प्रिय है बल्कि भगवान शिव भी इससे अति प्रसन्न होते हैं। और आपके सपने के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भगवान शिव को सफेद पुष्प भी अर्पित करें तो बेहतर होगा। यदि मंगलवार के दिन के जो देवता है वो मंगल हैं, और यदि इस दिन आपने कोई बुरा सपना देखा है, इस दिन और संकट को खत्म करने वाले जो भगवान है मंगलवार के, वो हनुमान जी हैं, कलयुग के देवता हैं। यदि आपने मंगलवार की रात में कोई बुरा सपना देख लिया तो अगले दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान कर दें, जैसे कि लाल वस्त्र, खिलौने, मूंग की दाल या कोई भी लाल फल, इसका दान आप कर सकते हैं। लाल पुष्प भी हनुमान जी को अर्पण करें तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उस सपने का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा के पाठ से भी आपको लाभ मिल सकता है। यदि बुधवार के दिन आपने कोई बुरा सपना देखा है, बुधवार के जो देवता हैं वो बुध देवता हैं, भगवान गणेश को समर्पित ये दिन होता है। ऐसे में यदि कोई जातक बुधवार की रात पर बुरा सपना देखता है तो अगले दिन हरी मूंग, हरे वस्त्र या कोई भी हरी चीज का दान किसी को करे या गाय को हरा चारा खिलाए तो आपके लिए हितकर साबित होगा। इसके लिए आप भगवान गणेश को दूरवा भी चढ़ा सकते हैं तो सारे जो विघ्न हैं वो जल्द ही खत्म हो जाते हैं। यदि गुरुवार के दिन आपको बुरा सपना देखते हैं, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में यदि कोई जातक गुरुवार के दिन कोई बुरा सपना देख लेता है तो उसे अगले दिन पीली वस्तुओं का, जैसे पीले वस्त्र, पीले खिलौने या कोई भी खाने की पीली चीज का दान करे तो बेहतर होता है। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को पीले पुष्प या पीली मिठाई भी अर्पण करें तो बुरे सपने का प्रभाव कम हो जाता है। शुक्रवार के दिन यदि आप बुरा सपना देखते हैं, शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र देवता और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। ऐसे में यदि आप शुक्रवार के दिन कोई बुरा सपना देखते हैं तो सफेद वस्तु, जैसे मिश्री, चावल, सफेद मिठाई, इसका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप देवी भगवती के किसी भी रूप का मंदिर जाकर के वहां नारियल अर्पण करें, नारियल समर्पित करें तो सपने के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। शनिवार का जो दिन है वो भगवान शनि को समर्पित होता है। ऐसे में शनिवार की रात को यदि आपने कोई बुरा सपना देख लिया है तो अगले दिन काले रंग के वस्त्र, काला उड़द, कच्चा तिल या सरसों का तेल दान करें और मंदिर जाकर शनिदेव को अर्पित करें ये चीजें, तो शनिदेव को अगर आपने ये चीजें अर्पित करी हैं तो शनिवार के दिन देखे गए बुरे सपने का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित दिन होता है। रविवार की रात में यदि आपको कोई बुरा सपना दिखता है तो आप गेहूं का दलिया, गुड़, तांबा, इन सारी चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान सूर्य को लाल पुष्प और अर्घ्य भी अर्पित कर सकते हैं, इससे रविवार के दिन देखे गए सपने का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। और एक उपाय जो आप सातों दिन कर सकते हैं,
यदि आपने किसी भी दिन कोई बुरा स्वप्न देखा है तो स्वप्न देखने के बाद अगली सुबह अपने इष्ट देव को याद करें, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करें, और यदि घर में आपके तुलसी का पौधा है तो उसके सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं, तो आपकी समस्या टल जाएगी। इसके अलावा दिन के अनुसार दान की जाने वाली वस्तुओं को भी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से सपने का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।